Let's see a practical question how the hedge accounting taken care. A Limited hold 10,000 units of a product. Cost per unit is 200 rupees. A Limited has been building an inventory in anticipation of demand for its product in the upcoming session. देखिए ना नॉर्मली ईद के दिनों में ज़्यादा लोगों को डिमांड होती आती है तो इसलिए वो बनाना शुरू करते हैं और इकट्ठा करना शुरू करते हैं हमारे यहाँ टेक्सटाइल में ये होता है कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सारी कॉटन ख़रीद लेते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ताकि आपको पूरे साल के लिए कॉटन जो है ना एनफ हो जाए क्योंकि उसके बाद कॉटन नहीं मिलती क्योंकि कॉटन का सीज़न ही ये होता है तो ये नॉर्मली हम बिल्ड करते हैं अपनी इन्वेंट्री को We add the uh, A-Limited recorded inventory of on statement of financial position 2 million. Now, what is 2 million? 10,000 units and 200 ko multiply? So, you have 2 million. those are capacity inventory. A-Limited could benefit from an increase in price of its product, but until it sells the product. देखिए ना आपके पास प्रोडक्ट ये, ये इन्वेंट्री है अगर प्राइस बढ़ जाती है तो आपकी कॉस्ट तो वही रहेगी जो आपने पे ऑफ की हुई है तो इसलिए आपको बेनिफिट हो जाएगा द कंपनी इज एक्सपोज टू रिस्क दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिक्लाइन अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर आपको नुकसान होगा तो हम इस नुकसान से कैसे पे? ए लिमिट विशेज टू हैज इट्स एक्सपोजर ऑफ फेयर वैल्यू डिक्लाइन फॉर इट्स इन्वेंट्री तो हम क्या करते हैं इन्वेंट्री इज़ प्लैच एज ए कोलेटरल विद द बैंक लोन अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये क्या सिस्टम है क्या यू तमाम की तमाम इन्वेंट्री ख़ास तौर पर टेक्सटाइल की मैं बात करूं तो पूरी की पूरी जो इन्वेंट्री होती है कॉटन की वो सारी की सारी बैंक के पास प्लेज होती है अगर आपको उसमें से यूज़ करना है तो जितना लोन ले रखा है उसके हिसाब जो प्राइस भी आपने तय की है उस प्राइस के हिसाब से आप बैंक को पैसे देते हैं और बैंक फिर आपको अलाउ करता है कि जी आप इस गोडाउन से इतनी कॉटन यूज कर सकते हैं तो दिस इज वॉट बेसिकली प्लेज टू हेज दिस इन दैल्यू ऑफ जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी बाई पर फिक्स प्राइस यानी आप बेचना भी अगर चाहेंगे तो एक फिक्स प्राइस पर पहले से आप पुट ऑप्शन जो है वह लेंगे कि हम एक फिक्स प्राइस पर बेचना चाहेंगे ए लिमिटेड डेजिग्नेट्स दी ऑप्शन एज ए फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू के दिस पुट ऑप्शन गिव्स दी कंपनी दी ऑप्शन टू सेल टेन थाउजेंड यूनिट एट ए प्राइस ऑफ टू फिफ्टी पर यूनिट विच इज़ करंट मार्केट प्राइस यानी आपके पास इन्वेंट्री बिल्ट है दो मिलियन की अब आप अगर करंट मार्केट प्राइस में जाएँ तो वह दो सौ रुपए पर यूनिट की बजाय वो दो सौ पचास रुपए पर यूनिट हो गई है आप 250 पर ही उसको तय करना चाह रहे हैं विच इज़ करंट मार्केट प्राइस सिंस द करंट मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल नो एंट्री इज नेसेसरी क्योंकि फेयर वैल्यू देखें ना जब आप करंट मार्केट प्राइस को लेकर चल रहे हैं तो फिर इसमें कोई आ, है आपको प्रॉफिट लॉस नहीं चल रहा है इसमें आपको नो नो प्रौ, नो प्रीज सिंपली आपकी ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड विल भी दिया यानी नॉर्मली है हम हैज अकाउंट में एक एंट्री डालते हैं जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस केस में क्योंकि प्राइस आर द सेम करेंट प्राइस और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें फिर आपको कोई एंट्री की जरूरत नहीं है हाँ मेमोरेंडम रिकॉर्ड जरूर होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्राइटेरिया क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए तो डॉक्यूमेंट तो बनेगा एंड द फेयर वैल्यू हैज ऑफ इन्वेंट्री यानी इसमें जो आपका पुट ऑप्शन है ये इंस्ट्रूमेंट है हैज इंस्ट्रूमेंट है और इन्वेंट्री जो है ये आपकी हेज आइटम है और दोनों डेजिग्नेटेड हैं एज ए फेयर वैल्यू हेज थर्टी फर्स्ट मार्च को द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हैज डिक्लाइन बाई टेन परसेंट दस परसेंट से कम हो गई इन्वेंट्री विल बी यानी पुट ऑप्शन जो है ना यहाँ पर एंट्री बनेगी क्योंकि फेयर वैल्यू आपकी कम हुई है तो पुट ऑप्शन में आप देखें आपने दस परसेंट उसका लिया और वो दो लाख हो गया और अनरियलाइज होल्डिंग गेन और लॉस जो है वो दो लाख रुपये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा यानी इसमें अगर बढ़ता है तो आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी कम होता है तो ये एंट्री करनी पड़ती है एलिमिटेड की जो बैलेंस शीट बनेगी ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च को देखिए करंट आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू रह गई है कितनी दो मिलियन की थी उसमें फेयर वैल्यू में कमी आई दो लाख की तो वो रह गई वन पॉइंट एट मिलियन की कम हो गई लेकिन आपके साथ पुट ऑप्शन भी है तो आप अपना पुट ऑप्शन भी रिकॉर्ड करेंगे दो मिलियन का टू हंड्रेड थाउजेंड का सॉरी और जो इनकम स्टेटमेंट है वो फर्स्ट क्वार्टर की क्वार्टर की बात हुई है ना तो उसमें आप देखें कि अनरियलाइज होल्डिंग गेन जो है ना पुट ऑप्शन ऑफ दो मिलियन और अनरियलाइज होल्डिंग गेन टू टू हंड्रेड थाउजेंड ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट अब इसमें देखें कि अभी फाइनली हमने इसको बेचा नहीं है कुछ नहीं किया है अभी सिर्फ हमने उसको रिकॉर्ड करना है जब हमने एक हेज एग्रीमेंट किया है अब बिकेगा जब अब ये तो प्राइस आ, काम अब हुई है ये एग्जैक्टली जब ये कंस, ए, कंक्लूड होना होगा उस वक्त देखें हमारी प्राइसेस क्या है और फिर आप इसको देखेंगे कैसे रिकॉर्ड करना है यहाँ इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे और ये पहले तो रिसिवेबल को डेबिट करेंगे फिर सेल्स को क्रेडिट करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे और उसमें आप देखें कि कहीं पर आपको लॉस भी हो सकता है कहीं पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है तो ये एंट्री फाइनली होती हैं जब आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं सेल कर देते हैं तभी रिसीवर बुक होंगी ना उससे पहले तो रिसीवर बुक नहीं हो सकता तो एनी ऑफ ये एंट्रीज आपको शुरू में कर ली और फर्स्ट ऑफ जब भी इसको फाइनल होगी आप इसको बेचकर कर रिसीवर बुक करें और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करके इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लें थैंक यू वेरी मच